मेरे पास जलमार्ग की घोषणा हो गई, कोसी हो गया, हाई डैम है जिसकी घोषणा हो गई, पूर्णिया में हाईकोर्ट की स्थापना है, एम्स की स्थापना है, अब पूर्णिया और सहरसा एक अच्छी एयरपोर्ट जो दिल्ली पटना और साउथ को जोड़ सके, ये एक सपना है मेरा। वो सपना है नहीं, उसको हम एक साल के अंदर पूरा करेंगे। हाईकोर्ट का जो बेंच है, जो अन स्टेट में दो तीन बेंच होता है और बिहार में मात्र एक बेंच है, इतने बड़े स्टेट में बिहार में मात्र एक बेंच पटना हो, तो हम बंगाल और नेपाल के बॉर्डर पर हैं, तो भागलपुर से लेकर के दरभंगा इस बीच का जो चीजें है वो पूर्णिया पड़ता है। कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट, सभी लोग, अब जैसे एनोथॉल की फैक्ट्री घोषणा हुई लेकिन नहीं बनी, ये इम्पोर्टेंट है। तो सर क्या 5 साल कम रह गए या इनिशिएटिव लेने में थोड़ा वक्त लगे? नहीं, वर्ल्ड के हिस्ट्री में सेकेंड लार्जेस्ट स्पीकर है हम इंडिया का हाउस में, और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे इंडिया में। मुझे लगता है कि चार चार तीन तीन बार अवार्डेड एमपी का, जो चाहे वो क्वेश्चनर का हो, डिबेटर का हो, सेवक का हो, कोई ऐसे सवाल नहीं है जिस सवाल को सदन में 5 बार 6 बार और इसकी स्वीकृति एक्सेप्टेबिलिटी गडकरी जी ने मधेपुरा में आके कहा कि हमने ऐसा सांसद आज तक देखा है, सबसे अत्यधिक एमपी लेट्स खत्म करने वाले हम हैं, लगभग खत्म हो चुका, सड़कों से लेकर सदन तक इस इलाके के हेल्थ सेक्टर को, कई सेक्टर को हमने चिन्हित किया काम करने के। अब आपको आश्चर्य होगा, हमारा सपना आईटीआई को लेकर के, टेक्निकल एजुकेशन, हम कोशिश करेंगे कि हर परिस्थिति में यूथ के रोजगार की गारंटी सुनिश्चित, जो भी टेक्निकल यूथ होंगे किसी न किसी प्राइवेट सेक्टर में एक साल से लगभग 2 साल के बीच हम कोशिश करेंगे टेक्निकल एग्जामिनेशन में उत्तीर्ण होने वाला छात्र को रोजगार मिले हर परिस्थिति में। सर इस पर भी मेरा बहुत बड़ा फोकस है। सर पप्पू जी, हमने क्षेत्र में देखा है कि जनता के बीच में जबरदस्त उत्साह है, जनता इंथुजियाज्म दिख रहा है जनता, तो क्या दिनेश यादव और शरद यादव के बीच में आपने ये जादू कैसे पैदा किया? सर, जनप्रतिनिधि का मतलब होता है आम आदमी के साथ जीना, उसके साथ रिश्ते को मजबूत करना, एक उम्मीद और विश्वास को पैदा करना, हर व्यक्ति के सपने के साथ खड़ा होना, हमने एक ट्रस्ट पैदा किया, पॉलिटिशियन ने जिसकी हर तरह की उम्मीद और सपने को खत्म कर दिया लोगों की, हमने उस उम्मीद को जिंदा किया,
हमारे मधेपुरा सहरसा या सीमांचल नहीं, कोसी नहीं, बिहार भर के एमपी गरीब आदमी, कासियाना है दिल्ली, पटना, खुर्दा, दरभंगा, पूर्णिया, जहां 800-900 लोग डेली के रहते हैं, आपको आश्चर्य होगा जनाब कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी जाति धर्म में नेताओं ने जो आकाओं ने जो लाइन खींचता है ना, वोट का आधार सियासत सत्ता में आने का, किसी भी तरह के लोकतंत्र को खत्म कर देना, अब तो इवेंट्स मैनेजमेंट के द्वारा लोकतंत्र को खत्म करने की बात होती है, इवेंट गुरु मनी, जब कोई बात होती है, अभी जब चुनाव आया तो आपकी इंतजार 370 आरक्षण, जब चुनाव आता है तो आप एक नई सुगोपा बैकवर्ड फॉरवर्ड का, हिंदू मुसलमान का, आरक्षण का, ST SC का, स्वर्ण का, आप ऐसे ऐसे सवाल खड़ा कर देते हैं। क्या कारण है कि आप अपने धन पर चुनाव नहीं लड़ते, आप जनता के भरोसे पे चुनाव नहीं लड़ते, जनता के काम के पर चुनाव नहीं लड़ते, कहीं गोरा भोरा, कहीं लिंगाय, कहीं बगलिंगाय, कहीं जिन्ना, कहीं कर्णवाद, कहीं अहमदाबाद, कहीं मुगलवाद, कहीं अकला गाय गंगा गोरू, आप ऐसे सेंटीमेंट को क्यों पैदा करते हैं जरा? आप ये जाति का गठबंधन की आवश्यकता इन आंकड़ों को क्यों पड़ती है? जब अपने को कहते हैं कि मैं कहा विकास किया, मैं नीतीश कुमार जी से पूछना चाहूंगा, तो अगले बार भी आप विकास किए थे तो आप तो दो सीट पे आ गए, क्योंकि गठबंधन आपका नहीं हुआ, तो आप इतना विकास किए तो आपको गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ती है नीतीश जी? पप्पू जी, मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में महिलाओं की संख्या ज्यादा है, महिलाओं के लिए वो काम जो इस बार आप खासतौर पर करना चाहेंगे? पहले तो मैं आपको ये बताऊं, मधेपुरा इस बार देश में 16% यूथ वोट डाले, जो विश्वास को यूथ का तोड़ा है ना, उसको वो फिनिश करेंगे। सेकेंड सर, ये 1990 नहीं है, 2019, ये बात सही है कि 1990 में भी वही बैकवर्ड फॉरवर्ड मंदिर मस्जिद था, हिंदू मुसलमान था, लोग ये भी कहते हैं कि 91 वाला आपको करिश्मा दोहराएंगे और फिर से वही 90 के दशक वाली वो चीजें यहाँ पे होने वाली है, लोगों के मन में ये लगातार कहा जा रहा है कि जो पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में हुआ था वही इतिहास यहाँ दोहराने जा रहे हैं। क्योंकि वो तो जनता तय करेगी, पूर्णिया में अभी जनता नहीं तय किया, वो जनता से बड़ा मालिक कोई नहीं होता। इन लोगों ने तय सोच लिया था कि हम दिल्ली पटना में बैठ करके दुनिया की राजनीति, एक दल आता है, एक उम्मीदवार जाके कहता है ठीक तो प्रणाम, हमें तो नरेंद्र मोदी के और नीतीश कुमार जी का हम संदेश लेके आए हैं, आप तो वोट दीजिएगा ही, देश मजबूत हुआ है, इन सारे सवालों को लेकर के वो वोट मांगने जाते हैं। एक आदमी कहता है कि भाई मैं तो 5 जात के साथ हूँ, एक आदमी कहता 3 जात के साथ हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आता है। सबसे ज्यादा जंगल राज करने वाला शरद यादव जी, जादवों को सबसे ज्यादा गाली देने वाला, जादव और नोन यादव के बीच भीलन पैदा करने वाला जादवों को, लालू यादव को सबसे ज्यादा सजा करवाने में मुख्य भूमिका, आज जंगल राज की गाली जिसको सबसे ज्यादा थी उसी से उनको असर न, उनकी उम्मीदें जग गई, तो अन लोग के बारे में तो कुछ कह नहीं सकता हूं, जनता बताएगा एक उम्मीदवार के बारे में। इन लोगों ने बहुत कुकर्म किए, बहुत कुकर्म, सहरसा ऐसे लोगों पर भरोसा करती ही नहीं, मधेपुरा, अब ये लोग मधेपुरा को चारागाह बना के रख लो। नीतीश कुमार कैंप करते थे इनको चुनाव जिताने के, आज नीतीश कुमार कैंप कर रहे हैं इनको हराने के,
कल नीतीश कुमार सरकार थी, अब जो लोग आज बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं नेशनल इंटरनेशनल, तो उनके लिए दिल्ली भी सुरक्षित थी, उनको इतने दूर आने की जरूरत क्या पड़ी मधेपुरा में। मुझे एक आखिरी सवाल, खाना में आप मक्के की रोटी खा रहे हैं, यहाँ अधिकांश लोग नहीं खाते हैं, क्या उम्मीद करें 5 सालों में उनके थालियों में पूरी और हलवा वगैरह पहुंचेगा कि मक्के की रोटी खाते हैं? किसने कहा आपको मक्के रोटी से अच्छा भोजन कुछ है ही नहीं। आप लोग भी तो मॉल में सिनेमा देखने जाते हैं तो पॉपकॉर्न खाते हैं, तो हम क्या उम्मीद करें आपसे, क्या उम्मीद करें कि सिनेमा हॉल के भीतर पॉपकॉर्न नहीं खा करके आप लोग भी कोई देश के बने। सर मकई हम या रोटी या साग भात या खिचड़ी का साग या रेचा का साग, ये हम लोग की संस्कृति, हम लोग की परंपरागत भोजन रहा, हम लोग उसको स्वाद के साथ खाते। अलग अलग भोजन बिहार में है, कहीं लिट्टी चोखा है, कहीं दही चूड़ा है, कहीं सत्तू का है, कहीं भुजिया रोटी स्वादिष्ट होता है, हम अलग अलग चीजों से मखान है, कहीं कुछ है, लेकिन आप उसको इस रूप में नहीं ले सकते। मेरा सिर्फ इतना कहना है, आपने हमसे एक सवाल पूछा था महिलाओं को, महिलाओं की सुरक्षा के सवाल पर मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। सेनेटर हाउस पप्पू यादव तो आप भी जानते हैं, पद यात्रा मैंने की, महिलाओं की सुरक्षा, बेटियों का सम्मान, ये जुमला बन गया है नेताओं की आजादी के बाद। जितना एक्सप्लाइटेशन, जितना शोषण महिलाओं का होता है और जो हालात है देश बच्चियों का, रोजगार के मामले में सुन, एजुकेशन के मामले में सुन, सुरक्षा के मामले में लगभग स्थिति बदतर, और एक हमारी बेटी दुनिया में कहां से कहां निर्माण, हम अभी तक उसकी भागीदारी की बात नहीं कर सके, तो सुरक्षा हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। बेटियों का एजुकेशन, हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन मेरी प्राथमिकता होगी, और बेटियों का रोजगार भी मेरी प्राथमिकता होगी। ये मैं आपको बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ बताता हूँ। अंत में सिर्फ इतना कहूंगा कि मधेपुरा को लोग ऐना ना दिखाए, कोसी मंडल मिश्र से लेकर के चाणक से लेकर के कोसी की धरती शिव की वो दिव्य दृष्टि, सिंहेश्वर से लेकर के अन्य जगहों पर, लोरिक से लेके विश्वराज से लेकर के कारू स्थान, अंडिया स्थान से लेकर के कई धार्मिक स्थान, बंधा, सूर्य मंदिर, महसी में तारा स्थान, आप इसको आध्यात्मिक धरती आप कह सकते हैं। तो इसलिए मंडन मिश्र से लेकर के राजनीतिक और सामाजिक चेतना की बात आप करिएगा, तो सामाजिक चेतना में भूपेंद्र बाबू, ललित बाबू, बीपी मंडल, राम बहादुर सिंह, ऐसे न जाने हमारे राष्ट्रकवि दिनकर, नक्षत्र मलाकार, विद्यापति कवि का साहित्य से लेकर के अध्यात्म, संघर्ष से लेकर के क्रांति, अनंत कथा वीर से लेकर के वीरों से भरा हुआ है। कोसी हमेशा इतिहास पैदा करता है, और आजकल कुछ लंगबुआ भी कोसी को बताने लगे हैं दुनिया, अच्छा कठुआ सर जिसको कोई पता नहीं, ज्ञान नहीं राजनीति का, सामाजिक जीवन का, ऊपर से आए और मिले मिले मिल गया। यहाँ तो 9 क्लास के बच्चे राजनीतिक और सामाजिक रूप से इतने परिपक्व हैं कि आपको आश्चर्य होगा। इसीलिए कोसी की जनता राजनीतिक और सामाजिक रूप से इतने प्रखर है, इस बार इतिहास वो बदलने वाले हैं। जी हाँ, ये बाकी अपनी बात कह रहे थे मधेपुरा से निवर्तमान सांसद पप्पू यादव खुल के बता रहे थे कि भले वो मक्के की रोटी खा रहे हैं, लेकिन जनता के पास, जनता की थाली में इस बार मक्के की रोटी नहीं बल्कि पूरी सब्जी और हलवा पहुंचेगा। कोसी का बेटा जिंदाबाद।